मंगलवार को एक अस्पताल पर हमले के बाद तनाव बढ़ गया था। इस बीच बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे। उनके दौरे के दौरान गाजा में मानवीय सहायता जाने का रास्ता साफ हुआ। इजराइल मिस्र से गाजा पट्टी में सीमित मात्रा में मानवीय सहायता जाने देने को तैयार हो गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुरोध के बाद इसकी इजाजत दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजरायल के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अमेरिका की तरफ से गाजा और वेस्ट बैंक के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। बाइडेन ने ट्वीट किया और कहा, मैंने अभी अभी गाजा और वेस्ट बैंक में मानवीय सहायता के लिए $100 मिलियन का ऐलान किया है। इस पैसे से 10 लाख से ज़्यादा विस्थापितों और संघर्ष प्रभावित फिलिस्तीनियों को मदद मिलेगी। हमारे पास ऐसा सिस्टम होगा जिससे ये मदद ज़रूरतमंदों तक पहुँचे ना कि हमास या आतंकी समूह होता।